ये शरिया के मुताबिक जो अमीरियत पे शरीयत जो अमीरियत कर्नाटक का जो अमीरियत शरीयत है इनके मुताबिक जो आम राय तमाम उलमा करम जितने भी यानी मजहबी उलमा करम है या शिया की उलमा करम है या जमायत इस्लामी की उलमा करम है या पूरा जितने भी उलमा करम है दूसरे दूसरे इदारों से उनके राय मशहूर हो सब उन्होंने कंक्लूड किया ये बेसिस के ऊपर उन्होंने मेरे को दिया। इसके ऊपर हमने वक्फ बोर्ड ने पूरा इंतज़ाम किया कि भाई हम क्या बताना है पूरे हमारे इदारों वालों को ये बीमारी को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल करना है। ये रमज़ान का महीना है ये मुबारक महीना है तमाम मुसलमानों के लिए तो ये रमज़ान के महीने में क्या 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 काम कर सकते हैं और हमें कैसा सोशल डिस्टेंस रखते हैं कैसा तराबे पढ़ना है कैसा ज़कात देना है कैसा सफ़ात देना है ये सब हम बता चुके हैं। तो तमाम हजरात जितना भी आलम है कर्नाटक के अंदर मुसलमानों का आलम है इनको सब हिदायत दी गई कि जितने भी हमारे इदारे हैं वक्फ के इदारे हैं इनको हम हिदायत देंगे कि खासकर ये करोना वायरस को इराडिकेट करने यानी ख़त्म करने के लिए जो कुछ भी करना है वो ज़रूर से करना है ये तो हम बता चुके हैं। और क्या है हाँ अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये मई 3 तक है 2020 मई 3 तक है इसके बाद और क्या होने वाला है ये मालूम नहीं है। तो हमने ये इरादा कर लिए हैं कि जो बड़े बड़े इदारे हैं तंजीम से हैं अंजुमन से हैं जिनके पास ज़्यादा फंड है और हमारे पास जो कुछ भी फंड अवेलेबल है इसको पूरा वो इदारों वालों को बुला के जो गरीब गुरबा हैं उनको रमज़ान गुजारने के लिए उनको काम काज में है कुछ तो कुछ मुहैया करने की कोशिश ज़रूर से करेंगे। यानी रमज़ान से पहले ही ये होगा? हाँ ज़रूर से करेंगे। रमज़ान तो अभी 30 दिन है ना बाबा अभी स्टार्ट होने वाला है जी जी। अभी मई 25 तक चलेगा तो इसके पहले ही जो कुछ हमारे तरफ से करना है हम पूरा बड़े बड़े इदारों को तंजीमों को अंजुमन्स को जितने भी बड़े इदारे हैं मसाजिद हैं जितने भी जो बड़े इदारे हैं कर्नाटक स्टेट के अंदर जिनकी आमदनी 1 लाख से ज़्यादा है उनको बुलाएंगे कुछ हमारा भी कुछ पैसा देंगे उनका भी कुछ पैसा लेंगे एक स्कीम बनाएंगे कि रिपीट नहीं होना। जो बहुत गरीब हैं जो माइनॉरिटीज के जो हलके हैं जो रिमोट एरिया से रिमोट विलेजेस हैं छोटे छोटे मसाजिद हैं वहाँ कोई रोज़ ही नहीं है वहाँ हमें मदद करने की कोशिश करेंगे।